हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर। जवाहर बैलगाड़ी चलाता है। उसके दोनों बैलों का नाम राम और श्याम है। वो राम और श्याम से बहुत प्यार करता है। आजा राम श्याम, ए खाना खा ले, आज बहुत काम करना है। राम और श्याम भी जवाहर से बहुत प्यार करते हैं। वो दोनों सिर्फ जवाहर के हाथों से ही खाते हैं। दोनों को खाना खिलाकर जवाहर उनको गाड़ी के साथ बांधता है और बैलगाड़ी चलाते हुए काम की खोज में निकल जाता है। कभी रास्ते में किसी को कहीं जाना होता है तो उसे जवाहर कुछ पैसों के बदले छोड़ देता है, तो कभी कोई सामान अपनी बैलगाड़ी में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, उसी से उसका दिन गुजर जाता है। और क्या चाहिए जिंदगी से, बस ऐसे ही दिन बीत जाए और क्या। लेकिन जवाहर को कहां पता है कि उसकी जिंदगी में तो अभी आंधी आने वाली है। जवाहर की बाई यशोदा बूढ़ी हो गई है, घर का काम वही संभालती है। एक दिन यशोदा जवाहर से कहती है, बेटा मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब शादी कर ले, मेरे जाने के बाद तुझे कौन देखेगा। ऐसा मत कहो माँ, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। भला ऐसा भी कभी होता है क्या, मेरी बात मान शादी कर ले, मैं लड़की देखती हूँ। यशोदा लड़की देखना शुरू करती है। पास ही के गांव में एक लड़की है, उसका नाम सुलेखा है। सुलेखा बड़ी घमंडी और खुदगर्ज लड़की है। वो अक्सर अपनी सहेलियों से कहती है, मैं शादी करूंगी तो किसी अमीर लड़के से करूंगी। हाँ तुम तो बस देखते रह जाओगे। हाँ सुलेखा, तू इतनी सुंदर जो है। यशोदा उसी गाँव की लड़की है, इसी वजह से सुलेखा के पिता भोला चंद के साथ उसकी जान पहचान है। वो दोनों बचपन में एक साथ खेल कूद किया करते थे। भोला चंद जब सुनता है कि यशोदा अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही है, तो वो खुद सुलेखा का रिश्ता लेकर यशोदा के पास चला आता है। यशोदा, मेरी बेटी को अपने घर की बहू बना ले, तेरा बेटा बहुत अच्छा है, मैं उसे मेरा दामाद बनाना चाहता हूँ। ये तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, हमारी बचपन की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। दोनों मिलकर जवाहर और सुलेखा की शादी तय कर लेते हैं। लेकिन ये सुनकर सुलेखा बहुत गुस्सा हो जाती है। क्या, मैं एक गरीब बैलगाड़ी चलाने वाले से शादी नहीं करूँगी। लेकिन बेटी, वो लोग बहुत अच्छे हैं, तू वहाँ पर खुश रहेगी। नहीं, मुझे खुशी नहीं चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, मैं पैसों से खुशी खरीद सकती हूँ। तो एक बार मिल तो ले उनसे, तेरी खुद की माँ नहीं है, देखना यशोदा का प्यार तुझे लुभा जाएगा। बड़ी मुश्किल से सुलेखा उनसे मिलने के लिए राजी हुई। ठीक है, एक बार मिल लेती हूँ, उसके बाद मजा चखाऊंगी। अगले दिन जवाहर और यशोदा भोला चंद के घर पर चले गए। सुलेखा एक साड़ी पहन कर आई और सबके सामने बैठ गई। वाह भोला चंद, तेरी लड़की तो बहुत खूबसूरत है। हाँ, इसीलिए जीभ ललचाते हुए चली आई यहाँ बुढ़िया। ये सुनकर सभी चौंक गए। भोला चंद ने कहा, ये क्या बेटी, ये कैसी भाषा है। मैं तो ऐसी बात करूंगी पापा, ये दोनों गरीब नल्ले मुझे अपने घर ले जाने के लिए आए हैं, वो घर है या कबाड़ खाना। देखिए सुलेखा जी, आप मेरी और मेरी माँ का अपमान कर रही हैं। अरे मान अपमान तो अमीरों का होता है, तुझ जैसे नालिक की केड़े वो क्या जाने। और तभी एक गड़बड़ हो गई। यशोदा का दिल कमजोर था, वो ये सब सह नहीं पाई, उसे हार्ट अटैक आ गया। माँ माँ, क्या हुआ माँ, क्या हुआ, क्या हुआ यशोदा। यशोदा टेढ़ी हो गई। सुलेखा ने हंसते हुए कहा, बहुत अच्छा हुआ, वैसे भी बुढ़िया धरती पर बोझ है बोझ, ऐसे लड़के मुझसे शादी करनी हो ना तो एक साल के अंदर 10 लाख रुपए कमा कर मेरे सामने ला, तब सोच कर देखूंगी। ये बोलकर सुलेखा चली गई। यशोदा को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे पैरालिसिस हो गया। डॉक्टर साहब ने कहा, इन्हें ठीक करने के लिए 5 लाख रुपए की जरूरत है, पैसा है तुम्हारे पास। जिंदगी में पहली बार जवाहर को अपनी गरीबी पर दुख हुआ, वो सोच में पड़ गया, घर बैठे सोचता रहा। सुबह राम और श्याम को लेकर काम पर निकल जाने लगा और शाम को घर लौट कर खाना बनाने लगा और अपनी माँ की देखभाल करने लगा। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। खाना बनाते बनाते जवाहर को खाना बनाने से प्यार हो गया, लेकिन अपनी माँ की दवाई खरीदने के लिए उसे घर गिरवी रखना पड़ा। उधर सुलेखा सोशल मीडिया की मदद से एक लड़के से मिली। लड़के का नाम सुशांत है और वो बहुत बड़े अमीर आदमी का लड़का है। मुझे तो तुम जैसे किसी का इंतजार था,
आज मुझे सब कुछ मिल गया है सुशांत। हाँ सुलेखा, तुम बहुत खूबसूरत हो, हम दोनों जिंदगी भर साथ रहेंगे। सुलेखा और खुशहाल जिंदगी का सपना देखने लगी। इधर 2 महीने बाद भी जब जवाहर पैसे नहीं लौटा पाया तब उसे और उसकी माँ को घर से निकाल दिया गया। ऐसा मत कीजिए साहब, हम गरीब हैं, हम कहाँ जाएंगे? वो बात कर्जा लेने से पहले सोचनी चाहिए थी। अब जा भाग यहाँ से, आज से घर मेरा। जवाहर ने यशोदा को बैलगाड़ी पर सुला दिया और वो बैलगाड़ी चलाकर शहर की ओर चलने लगा। उसके पास सिर्फ खाना बनाने के लिए चूल्हा है। आज से बैलगाड़ी ही हमारा घर है। क्यों राम श्याम, हम दोनों इसमें रह पाएंगे ना? राम और श्याम ने चिल्लाकर सम्मति दी। जवाहर शहर पहुंच गया। शहर तो आ गया मैं, लेकिन अब पैसे कैसे कमाऊं? क्या करूं? माँ को बैलगाड़ी में छोड़कर कहीं जा भी तो नहीं सकता, और यहाँ बैलगाड़ी में कोई चढ़ेगा भी नहीं। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शाम होते जवाहर ने देखा कि आसपास बहुत सारे लोग ठेला लेकर आ गए और खाना बनाकर बेचने लगे। तब जवाहर के दिमाग में आइडिया आया। अरे मेरे पास तो चूल्हा है और माँ की गुप्त कुछ रेसिपी भी, क्यों ना मैं भी खाना बेचूं? जवाहर के पास जो कुछ बचे कुचे पैसे थे उससे जवाहर ने सब्जियाँ खरीद ली और उससे खाना बनाने लगा। अरे वाह, ये कौन सी डिश है भाई? ये है अनोखी आलू, ये मेरी माँ ने मुझे सिखाई है। अरे वाह, नाम तो बहुत बढ़िया है भाई, अनोखी आलू है और स्मेल भी बढ़िया है इसकी। दो जरा मुझे एक प्लेट अनोखी आलू दो। उस आदमी ने खाना खाया और उसे बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही बहुत सारे लोग आते रहे और खाना खाते रहे। जवाहर के पास पैसे भी जमने लगे, उसे खाना बनाने में मजा आने लगा। उसने खुद से बहुत सारी नई रेसिपी बनाई। उधर सुलेखा सुशांत के साथ शहर में इधर उधर घूमती रही और ऐसे ही घूमते घूमते वो दोनों जवाहर की बैलगाड़ी के पास चले आए। अरे तू यहाँ बैलगाड़ी में बैठ कर खाना बेच रहा है? तेरी औकात तो यही करने की है। ऐसे क्यों बात कर रही हो तुम? भैया आप मुझे हर एक डिश एक एक प्लेट लगा कर दो। जवाहर ने सुशांत को एक एक प्लेट हर डिश का दिया। खाना खाकर सुशांत को बहुत अच्छा लगा, पर उसने सुलेखा के सामने कुछ कहा नहीं। रात को वो जवाहर के पास अकेला आया और बोला, आप सुनो, कई दिनों से मैं एक रेस्टोरेंट खोलने के बारे में सोच रहा हूँ, पर मुझे शेफ नहीं मिल रहा था। तुम अच्छा खाना बनाते हो, तुम मेरे साथ पार्टनरशिप करोगे? हाँ हाँ जरूर, लेकिन सुलेखा। अरे तुम उसकी चिंता मत करो, वैसे भी मैं कल उससे ब्रेकअप करने वाला हूँ, पापा मेरी शादी किसी और के साथ तय कर चुके हैं। अगले दिन सुशांत ने सुलेखा के साथ ब्रेकअप कर लिया। सुलेखा को धोखा मिल गया। जवाहर ने सुशांत के साथ पार्टनरशिप कर लिया और वो रेस्टोरेंट का मालिक बन गया। उसने अपनी माँ का ऑपरेशन करवाया। यशोदा पूरी तरीके से ठीक हो गई और 1 साल के अंदर जवाहर करोड़पति बन गया। ये देखकर सुलेखा जवाहर के पास आई। जवाहर मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अरे जाओ जाओ, तुमसे अच्छा तो मेरे 2 बहन हैं, बुरे वक्त में साथ तो देते हैं। जाओ यहाँ से, फालतू लोगों से बात नहीं करता। सुलेखा को सीख मिल जाती है और जवाहर यशोदा के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगता है।